आप देख रहे हैं KDS News। बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर महादलित परिसंघ ने जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि दलितों पर अत्याचार को लेकर सरकार कठोर कार्रवाई करे। इस दौरान चंदन लाल वाल्मीकि ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दलितों पर लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महादलित परिसंघ ने यह निर्णय लिया है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सरकार को चेताया जाए, और अगर ये सरकार नहीं चेती तो लंबे लंबे हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। और आज जो है हम लोग अरविंद बंसोड़, इसकी पीट पीट कर हत्या नागपुर ज़िले में कर दी गई है। गुना में जो दो दंपतियों ने आत्महत्या की है उसके पीछे भी पुलिस का हाथ है, पुलिस उनको उजाड़ना चाह रही थी। और जो आज घटना हुई है झारखंड के गुड्डा में, वहाँ पर भी डोम समाज के व्यक्ति को जबरन उससे रजिस्ट्री करा ली गई और उनको वहाँ से इस वजह से निकाल दिया कि वो दलित जाति का था। और अगली मांग है हमारी कि जो कोरोना में शहीद 20 लोग हुए हैं उनको सरकार अभी तक 50 लाख का मुआवजा नहीं दे रही है। मात्र दो लोगों को महादलित परिसंघ ने जब ज्ञापन और अपनी कार्रवाई करी तो मध्य प्रदेश में एक को दिया है और एक को गुजरात में दिया है, और गुजरात में भी 50 लाख देना चाहिए तो वहाँ केवल 25 लाख दिया है। इसीलिए हम लोग आक्रोश व्यक्त करने अम्बेडकर पार्क पर इकट्ठे हुए और अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन दें।